दोस्तों आज हम वैष्णो देवी वृंदावन का जो धाम वैष्णो देवी एक धाम बना हुआ है वहाँ हम आए हुए हैं और आज भी हमारा गला सही नहीं हो पाया और माता रानी की इतनी बड़ी प्रतिमा आपके जानकारी के लिए बता दें ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो है मूर्ति है माता रानी का यह और लिम्बा बुक में दर्ज है इनका नाम और इनका जो है बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी दर्ज है आपको दिखाएंगे। आप माता रानी के परे दर्शन करें, थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी माता रानी की मूर्ति है जो कि मथुरा के वृंदावन में इनकी स्थापना की गई है और बहुत ही सुंदर यहाँ का गार्डन भी है। जो भी व्यवस्थाएँ बहुत मनमोहक है, रमणीय है और यहाँ जितनी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं भक्तों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आप यहाँ से मतलब भारत के कोने कोने से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सिक्योरिटी भी फुल टाइट सिक्योरिटी है और ये जो हम मोबाइल अंदर लेकर आए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये अभी आठ टाइम है थोड़ा सा, इसके वजह से अनुमति मिल जाती है, वरना अगर जो आप आएंगे आन टाइम में मेले के सीजन में तो फिर मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा यहाँ पे। ये देखिए आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है, आर्टिफिशियल झरना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत झरना है, देख सकते हैं। ठाकुर जी की नगरी में माता जी का ये पावन स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ लोग अपनी सेल्फी अपने समय को पल को कैद कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसको बाद में भी देखा जा सके। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं आपको पालन करना है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। और यहाँ दोस्तों बहुत ही दूर दूर से भक्तगण आते हैं। भाई हमारे गुरुजी बार बार गायब हो जाते हैं, कहाँ गए सब लोग। एक नया यहाँ पे स्टैचू बनाया जा रहा है, इस पर प्रिंटिंग चल रहा है, नया नहीं है पुराना ही है, इसकी पेंटिंग चल रही है क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे तो यही स्टैचू था, केवल इस तैयारी मेले की तैयारी चल रही है। और जन्म का समय हो रहा है कृष्ण जन्म का। दोस्तों एक गैलरी है, आर्ट गैलरी, इस गैलरी में कैसे कैसे निर्माण हुआ है इस मंदिर का यहाँ से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये पूजन का दृश्य है, ये शुरुआती निर्माण का है, स्ट्रक्चर कैसे कैसे बड़ा हो रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ से ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। किस सन में बना है यहाँ डेट पड़ा हुआ है, सन के साथ डेट पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मूर्ति का निर्माण कैसे हुआ और किसका टेंडर रहा, सारा जिक्र इसमें मिलेगा आपको गैलरी में।
माता रानी के मूर्ति का शुरुआत यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह से इसको पेंटिंग यहाँ आखिरी रूप दिया जा रहा है पेंटिंग का। यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ और जानकारी देना चाहते हैं आपको कि यहाँ कोई भी शुल्क नहीं लगता है, टिकट मिलेगा आपको, सेफ्टी मिलेगी और सफाई मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई शुल्क नहीं है। जो भी मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए सब मौजूद है इस मंदिर में, लेकिन कोई शुल्क नहीं लगता है। गैलरी बहुत बड़ी है, थोड़ा अब हम आपको एक सरसरी तरीके से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा अगर हम बहुत विस्तार से। ये गुफा का निर्माण जो हुआ है उसका देख लीजिए, गुफा कैसे बना है, और बाकी जो प्रतिमाएं गुफा के अंदर है, ये सारी प्रतिमाएं जो नौ रूप हैं माता रानी के, नौ रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ से देखेंगे टोटल जो इसमें इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ बाकी जो निर्माण है उसका इसमें जिक्र किया गया है टोकली, आप देख सकते हैं, आप दर्शन करा रहे हैं। बाकी ये तो व्यू बाहर भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह का व्यू है, और सेम जो माता रानी का मूर्ति बाहर है उनका एक डेमो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेम डेमो है माता रानी का, ये सेम वही चीज़ है छोटा। अब हम यहाँ से गैलरी से बाहर निकल रहे हैं। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ घंटी लगी हुई है, घंटी बजा के माता रानी की जयकारा देते हुए लोग अंदर प्रवेश करते हैं, आ रहे हैं। और इतना रमणीय स्थान आपको शायद ही किसी मंदिर में मिल जाए देखने को, जितना है यहाँ पे। यहाँ लोग चरणों की धूल लगाते हैं और माता रानी के दर्शन करने से जीवन धन्य हो जाने वाला है। दोस्तों माता रानी के दर्शन कीजिए, लाइट की वजह से तो क्योंकि हम लाइट कम कर दे रहे हैं, लाइट कम कर दी थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है। ओ ये माता रानी का पूरा व्यू देखिए, यहाँ से आप आगे का दर्शन करा रहे हैं। अभी परिक्रमा मार्ग बंद किया गया है यहाँ से, यहाँ परिक्रमा करने की व्यवस्था है, आप चलो देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है परिक्रमा करने का। और यहाँ का व्यू बहुत ही मनमोहक है, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे।
हमको उधर से ही आना पड़ेगा, इधर का रास्ता ब्लॉक है। यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लगे हुए अन्य मूर्तियों के हम आपको दर्शन कराएंगे, बने रहिए। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं हम अपने। ये गुरु नानक देव जी की मूर्ति है और स्टोर रूम आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, मूर्तियों को हाथ में लगाएं ताकि गंदा हो जाने पे सफाई करने में समस्याएं आती हैं। ये जो है ये सिखों के देवता है, दिमाग में नहीं आ रहा है इनका नाम क्या है, लेकिन हमारे यहाँ भी इनकी मंदिर है सिखों के देवता। बहुत ही रमणीय स्थान है। ये माता रानी के मंदिर के पीछे के व्यू देख रहे हैं। कितनी सफाई, बाकी बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं का कुछ वर्णन है और रास का वर्णन है। लोग इस लम्हे को कैद करने के लिए आतुर हैं और हम सोच रहे हैं कि इसके फोकस को लॉक कर दें ताकि डिफोकस ना हो। चलिए, फोकस लॉक कर लिया है। हमारे त्रिदेव महाराज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, गोवर्धन लीला है। महादेव जी जब गंगा जी को धारण किए थे तब का यह प्रसंग है और राम दरबार है जहाँ पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। क्षीर सागर का बहुत ही मनोरम दृश्य है। साईं बाबा का भी यहाँ पे देखिए मूर्ति लगी हुई है, दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम माता रानी के मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा बाहर लाइट है तो वजह से ब्लाइट हो गया थोड़ा सा। आपको गुफा के दर्शन कराएंगे आप और हमारे कुछ लोग इधर उधर अभी सामने भी सीढ़ियों में नजर आ रहे हैं, हमारे साथ वाले हमारे ग्रुप के। और यहाँ संगीत भी चलता रहता है। यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई है अभी ऊपर जाने के लिए। बहुत ही रमणीय का स्थान है। सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूरा ध्यान रखा गया है और ख़ास तौर पे मेले के समय में सिक्योरिटी बहुत एडवांस हो जाती है यहाँ की। हम लोग मेले में भी हम कई बार आए हैं यहाँ पे, उस समय बहुत हाई फाई सिक्योरिटी यहाँ हो जाती है। देखिए
ये साउंड है, यहाँ से साउंड आ रहा है। ऐसे जगह जगह लगे हुए हैं, पता नहीं चलता कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसकी व्यवस्था बनी हुई है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है बना हुआ है। देखिए यहाँ से भी आवाज़ आ रहा, बहुत ही रमणीक व्यवस्था बनी हुई है। और माता रानी के दर्शन के लिए अभी हम लोग को घूम के जाना पड़ेगा। गुफा, गुफा में प्रवेश करने का, गुफा में भी प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ से निकास है और एंट्री के लिए वहाँ है सामने। यहाँ बहुत ही बड़ी एक डिस्प्ले लगी है जिसमें इसका वर्णन चल रहा है, जिन्हें इनका निर्माण कराया है उनकी व्यवस्थाएं हैं। देखिए अब हम लोग गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं यहाँ से। पानी भरा है दोस्तों, गुफा में पानी है। आप नेचुरल फीलिंग आएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, बीच बीच में झांकियां लगी हुई है। शानदार म्यूजिक चल रहा है, माता रानी का नौ रूपों का इसमें आपको वर्णन मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। माता रानी के नौ रूप यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। दोस्तों लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर स्थिर किया जाए तो बहुत क्लियर होगा। कुष्मांडा माता के नौ रूप आप देख चुके, आगे हम लोग निकल रहे हैं। एकदम आपको वैष्णो देवी की फीलिंग आएगी यहाँ पे, क्योंकि जो व्यवस्था बनाया गया है सेम उसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। माता के स्थान पे जाने की जो फीलिंग आती है सेम वही फीलिंग आएगा। ये वृंदावन में इसका स्थापना किया गया है ताकि जो वैष्णो देवी नहीं जा सके वो कम से कम यहीं पर माता के दर्शन कर सके। ये देखिए अब हम लोग माता के करीब आ गए हैं, और अब यहाँ से तो कैमरे में आना नामुमकिन है, कैमरा कवर नहीं कर सकता माता को, इसलिए माता बहुत विशाल है, इनकी विशालता का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ पे कुछ न्यू स्ट्रक्चर अभी इसमें पेंडिंग में चल रहे हैं, मंदिर ये बन रहे हैं अभी। और दोस्तों ये देखिए आपको जितना दिखा मिल रहा है हम दिखाएंगे आपको, बहुत ही विशाल
की विशालता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जबकि गैलरी में सारा डेटा है कि दुनिया की सबसे बड़ी माता मूर्ति होने पर कितना ऊँची है। हमारी तो निगाह नहीं काम कर रही है दोस्तों, आपकी काम कर रही है तो बताइए। ये शेर का पूंछ ही कई क्विंटल का है, खाली पूंछ बाल, पूंछ की बाल है क्योंकि टनु वजन होगा, थोड़ा नहीं टनु वजन होगा। ये देखिए बहुत ही विशाल कौन लोग यहाँ से एग्जिस्ट होंगे। सावधानी पूर्वक केयरफुली यहाँ से उतर सकते हैं। ये बैरिकेडिंग बुजुर्गों के लिए लगाया गया है, जो बुजुर्ग हैं जिन्हें दोनों तरफ से सहारा चाहिए वो दोनों तरफ से सहारा ले लें, बाकी नॉर्मल के लिए घर है। लेकिन जिनको पता नहीं है वो कहीं से भी निकल जाते हैं, लेकिन ये इसे सहारे के लिए लगाया गया है। दोस्तों बहुत ही उम्दा जो है इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, इसमें जगह जगह पानी रिस्क आ रहा है, ऐसी व्यवस्था बनाया गया है पानी इसमें चलता रहे, थोड़ा ठंडी रहेगी जगह। माता की झांकियां यहाँ पे भी है, देखिए सफाई का भी काम चल रहा है, सफाई कर्मी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। लास्ट मुझे भैरव दिखा है, भैरव जी लाइट की वजह से कैमरे में नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग निकास पे बाहर निकलने वाले हैं। हम बाहर आ गए, बाहर निकलने का रास्ते यहाँ से है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वृंदावन में हमको और भी मंदिरों में दर्शन कराना है आपको, तो अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम भी। दोस्तों यहाँ प्रसाद मिलता है और सिक्के भी मिलते हैं। यहाँ देखिए बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है भगवान के, ठाकुर जी के यहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। यहाँ प्रसाद के रूम में मिश्री और एक पुड़ी में मिश्री है, दूसरे पुड़ी में कॉइन है माता जी का, इसमें ये सारे फ्री हैं, कोई भी चार्ज कोई भी पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे पूरी तरह से फ्री है। आ सकते हैं दिल खोल के माता रानी के दरबार में आइए, और आप समय में आएंगे तो ज़्यादा इसमें यहाँ सहूलियत पाएंगे। अगर आप किसी मेले के अवसर पर आते हैं
यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और इतनी फैसिलिटी और रोकने के लिए जो समय यहाँ मिल जा रहा है उस समय मिलता नहीं है। उस समय तो फिर इधर से एंट्री किए उधर से सब निकाल देते हैं। अब इधर घंटों दो घंटे आप इस समय रुक जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन मेले के टाइम में आएंगे तो आपको एक घंटे से अधिक नहीं रुकने का मौका मिलेगा। यानी चलते रहिए वाली कहानी रहेगी, आपको स्टॉप नहीं होने देंगे सर। ये हम बाहर आ गए हैं और आपको यहाँ से बाहर का जो गेट दिखा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी धाम, और यहाँ से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे से भी थोड़ा अपने आप को डालने चाह रहा हूँ, बने रहे।